स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ जो राजधानी रायपुर से मिल रही है, जहां पर दो विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद और सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू को अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष और रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। निर्वाचन प्राधिकरणों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो जरा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता वैभव शिव पांडे इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, आपके पास आना चाहूंगा। दो विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर आप दे पा रहे हैं? देखिए, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में जो है निगम मंडल, विकास प्राधिकरण और आयोग को लेकर के खास तौर पे मंत्रणा हुई, विधायकों के साथ चर्चा हुई, वरिष्ठ विधायकों के साथ विमर्श हुआ, मंत्रियों के साथ बातचीत हुई और उसके बाद ही ये सूची जारी की गई है। तो पहले जो है सूची के तौर पर दो विकास प्राधिकरणों के लिए जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि आपने नाम भी लिया। लेकिन मैं इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ कि राजनांदगांव जिले से आते हैं दोनों ही जो विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, वो राजनांदगांव जिले से आते हैं और बिल्कुल आसपास के विधानसभा क्षेत्र से है। दलेश्वर साहू जो कि साहू समाज के बड़े नेता हैं, साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनको विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि उनके साथ जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो दोनों उपाध्यक्ष करीब के जिले के हैं, यानी कि रायगढ़ और जांजगीर जिले से आते हैं। एक रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं प्रकाश नायक और दूसरे जो हैं रामकुमार यादव। ये दोनों पहली बार विधायक बने हैं और इनको जो है विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से अगर अनुसूचित जाति वर्ग की बात की जाए तो जो भुवनेश्वर बघेल हैं, जो कि डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पहली बार विधायक बने हैं लेकिन उन्हें विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि उनके साथ एक महिला विधायक जो कि रायगढ़ जिले से आती हैं, सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, उत्तरी जांगड़े जो पहली बार विधानसभा पहुंची है उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसी तरीके से किस्मत लाल नंद जो कि महासमुंद जिले से आते हैं, सरायपाली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो एक जो है जाति संतुलन या कहिए कि जो है क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश सत्ता की तरफ से की गई है। और चूंकि हमने देखा कि संसदीय सचिव जो बनाए गए थे उसमें जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई थी विधायकों को, और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाकी विधायकों को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, तो उसकी एक तरीके से शुरुआत अब हो गई है। निगम मंडल, विकास प्राधिकरण और आयोग में उनको एक जिम्मेदारी देने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल विकास प्राधिकरण में अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण और अनुसूचित जाति वर्ग विकास प्राधिकरण, ये दोनों ही जो है पदों पर नियुक्ति हो गई है। अभी अब इंतजार निगम मंडल को लेकर के है। निश्चित तौर से निगम मंडल को लेकर इंतजार है और छत्तीसगढ़ की जनता अभी काफी लंबे समय से इंतजार कर रही है कि आखिरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां कब तक होंगी, कब तक नियुक्ति होगी, कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? हालांकि जातीय समीकरण और जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश सरकार ने भरपूर यहाँ पर की है वैभव। बिल्कुल, निगम मंडल के लिए भी सूची संभवतः आज ही जो है जारी हो सकती है, हालांकि ना भी जारी की जाए क्योंकि कुछ नेताओं के नाम को लेकर के अभी भी थोड़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद फिर जो विधायकों के साथ जो संसदीय सचिव हैं उनके साथ जो बैठक हुई मुख्यमंत्री की, तो उसमें एक तरीके से फौरी तौर पर जो है खाका खींच लिया गया है। और इससे पहले भी जो रस्साकसी हुई थी, बैठक हुई, दिल्ली तक जो है दौड़ लगाई गई, उसमें लगभग नाम तय कर लिए गए लेकिन उसके बावजूद सूची जारी नहीं की जा रही है। तो आज भी ये लग रहा था कि सबसे पहले निगम मंडल की सूची आएगी, उसके बाद फिर आयोग और प्राधिकरण की, लेकिन प्राधिकरण की सूची पहले जारी कर दी गई है जिसमें विधायकों को एडजस्ट किया गया है। अब जो निगम मंडल की सूची आ रही है उसमें भी कुछ विधायकों को लिया गया है लेकिन संगठन के ज्यादातर जो है नेता उसमें शामिल है। हमारे पास जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक जो बड़े पद हैं, जो बड़े निगम मंडल है उसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं को जो है जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बाकी अन्य जो निगम मंडल की इकाइयां हैं उसमें जो है छोटे नेता या जिला स्तर पे जो नेता हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं या
कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उनकी सूची भी तैयार हो गई है, बस जारी करना बाकी है और शायद आज ही देर सवेर सूची जारी कर दे या फिर कल सुबह सूची जारी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले आयोग की सूची भी आने की संभावना है जिसमें राज्य महिला आयोग है, राज्य युवा आयोग है, दो चार और ऐसे आयोग हैं जिसमें कि गौ सेवा आयोग भी है और इस तरह के कुछ और आयोग जिसमें नाम जारी करना बाकी है, तो आयोग की सूची भी आ सकती है। जितने भी तमाम सूचियां हैं चाहे आयोग की हो या निगम मंडल की हो, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम सारी जानकारी को।